Well, Naseem, कमाल कर दिया आपने. आपको भी सोचा था आप हीरो बनेंगे बैट के साथ? नहीं बिल्कुल, जब मैं बैटिंग पे आया था तो मुझे बिलीव था कि मैं छक्के तो मार सकता हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो करता हूँ, और मुझे ये पता था कि वो कोशिश करेंगे कि मुझे यॉर्कर करें, और दो क्योंकि वो फील्डर उसने ऊपर लिए थे और कोशिश की और अल्लाह ने लगा दिए. चलो, पहला यॉर्कर जब ट्राई किया आपने, मारा बहुत दूर मारा, तो आखिरी गेंद में क्या बातचीत हुआ नॉन स्ट्राइकर के साथ, क्या सोच रहा था? मेरा पहले उससे पहले भी मेरे से यही बात हो रही थी कि देखे बिलीव रखना चाहिए, हिट तो लग सकता है क्योंकि हम मार सकते हैं, हम काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं नेट में भी और वैसे भी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बिलीव था उससे यही बात की कि मैं मार सकता हूँ. उससे मैंने बल्ला चेंज किया, मैंने कहा मेरा बल्ला ठीक नहीं है, तो उससे मैंने बल्ला चेंज किया और उससे अल्हम्दुलिल्लाह चेक किया. जब आप ड्रेसिंग रूम से निकले, अपने जो कलीग्स है कुछ बताया आपको कि क्या करना है कि आप जैसे निकल गए? जब मैं जा रहा था तब तो आसिफ भाई मेरे साथ खेल रहा था और मेरी यही कोशिश थी कि मैं उनको सिंगल दूँ, लेकिन जब वो आउट हुए तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मेरे ऊपर ही है और अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने खड़ा दिया. आप काफ़ी T20 मैचेस खेल चुके हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट इधर उधर, लेकिन ये मैच आप याद रखेंगे जिंदगी भर? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ऐसे मैच था कि क्योंकि जब नौ आउट होते हैं तो किसी की भी मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं होती, लेकिन यही है कि मेरा अपने ऊपर बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, कि मैं प्रैक्टिस काफ़ी करता हूँ हिटिंग की. आई थिंक ये मेरे लिए यादगार मैच रहेगा. और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया आज? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग तो अच्छी रही है, लेकिन आई थिंक अब सब भूल गए कि मैं बॉलर ही नहीं. नहीं लेकिन ये इम्पोर्टेंस ये मैच का इतना है नसीम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी विन था पाकिस्तान के लिए, अब फाइनल में पहुंच गए, तो ये इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल ऐसे ही था, ये यही सोच रहे थे कि ये वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीतेंगे तो सीधा फाइनल में क्वालिफाई करेंगे, और अल्लाह का शुक्र है वो कर दिया. चलो शाबाश, वेल डन टुडे आपको.